नमस्ते, मैं हूं नीलेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इस समय upnewsclick.com की खास सीरीज किस्सा गांव के विकास का। तो इसी मुहिम के तहत आज हम एक बार फिर खड़े हैं अयोध्या जिले के ब्लॉक बीकापुर के ग्राम सभा तोरो माफी में। इस ग्राम सभा में हम जब प्रवेश किए तो हमें यहां पे सूचना मिली कि इस गाँव में एक तालाब है, वहाँ पर मनरेगा के तहत कुछ कार्य चल रहे हैं। और हमने जब वहाँ आके देखा तो इस ग्राम सभा के काफ़ी महिलाएं, जो ज़रा दिखाया जाए कि किस तरीके से महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बहुत ज़्यादा भारी संख्या में यहाँ पे ये महिला पुरुष एकत्रित हैं और ये मनरेगा के तहत कार्य करते हैं। हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम इन्हीं सबसे जानेंगे इनके इस मनरेगा के तहत कार्य कैसे होता है और प्रधान द्वारा मनरेगा के तहत इसके बाद भी गांव में कितने विकास के कार्य किए गए हैं, तो इन्हीं से जानते हैं। एक दादी जी, हम इनसे पूछते हैं, दादी जी आप यहाँ पे ये बताइए कितने बजे आती हैं काम पे? हाँ, हमारे सब 5 बजे पहले ना आए जाए थे भैया। नहीं, कितने कितने सुबह आती हैं आप? सुबह सुबह यहाँ पे कितने बजे आप लोग आते हैं? नौ बजे। एक मिनट, एक एक करके बात करो। आप 5 बजे बोल रही थी तो हमें लगा 5 बजे निकले, दूर पर 5 बजे आती हैं ऐसा कहना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम बात करते हैं आपसे। चाची आप बताइए कितना बजे आप यहाँ पे काम करने? 9 बजे। 9 बजे आती है वो चाची? करिए आप 5 बजे ही बताइए। 8 बजे छुट्टी यहाँ से होती होगी, ऐसा होता होगा। अच्छा 9 बजे आप लोग यहाँ पे आ जाती हैं। अच्छा भोजन के लिए कब छुट्टी होता है दोपहर में? 1 बजे। हाँ 1 बजे। 1 बजे कितने देर के लिए छुट्टी होता है? 30 मिनट। 30, आधा घंटा, उसके बाद फिर काम पे लग जाते हैं आप लोग। अच्छा ये पैसा आप लोगों को जानकारी है, एक दिन का पैसा कितना मिलता है आप लोगों को? 182। आपको पता है? मैं पहली बार, आप पहली बार आई हैं। 182 मिला था। 182, हाँ 182 मिलती है। अच्छा 182 रुपए मिल जाता है। ये कब कब पेमेंट होता है पैसा, आप लोगों को कुछ आइडिया है? 27 रुपए। एक हफ्ते में है, हफ्ते में हो जाता है। ये कितना दिन से कार्य चल रहा है यहाँ पे? अरे कम से कम हो गया 20 से। 3 तारीख से आज डेट है 20 तारीख, 3 तारीख से चल रहा है। हमें लगता 17 दिन हो गए, 18 दिन हो गए। राशन कार्ड है दादी आपका? राशन मिलता है आपको? हाँ। कितना किलो राशन मिलता है? 35 किलो। 35 किलो। हाँ। कोटेदार दूर है घर से कि नजदीक? यहाँ दूर। दूर है? हाँ। अच्छा तो आप ही जाती हैं राशन लाने? हाँ, हमें जावा कर। आप जाती हैं? हाँ। अच्छा कोटेदार कटौती तो नहीं करते हैं राशन में? अब भैया वहाँ कंप्यूटर से देखा थे, वो काम ना बता पाओ। नहीं, आप लोगों को ऐसी कोई है सूचना, कोई बता सकता है कि कोटेदार जितना राशन होता है पूरा राशन मिल जाता है कि काटते हैं उसमें से? मिल जाते हैं, 35 किलो मिल जाता है, वो हमें थोड़ा बहुत 100-200 ग्राम कम हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए 100-200 ग्राम की बात है। 3 आदमी के पीछे 9 किलो गेहूँ मिला था और घरे तौली थी 8.5 किलो हुआ था। अच्छा चलिए, आधा किलो की कटौती, 200 ग्राम की कटौती, ये तो कम से कम कुछ हो जाता है। अच्छा प्रधान जी, गांव में कुछ विकास के कार्य किए हैं, नाली खड़ंजा का निर्माण कुछ कराए हैं, कोई बताए? बहुत हुआ है। जी जी जी। अच्छा इसके पहले जो प्रधान थे उनसे तो कुछ ज्यादा कुछ नया निर्माण हुआ है? हुआ है इसी बात में। अच्छा उनसे दूना बता रहे हैं, अच्छा उनसे दूना कार्य कर? जी 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 जी। आप लोग संतुष्ट हैं प्रधान से? अच्छा कितने लोगों को इसमें से, आप महिलाएं हैं, हम आप ही से जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री के तहत उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा कितने लोगों को मिला है? मिला। सरकारी वाला मैं पूछ रहा हूँ, हमें ना मिला है। आपको नहीं मिला है? मिला भाई। आपको भी नहीं मिला? लेटरिन वाला मिला है। शौचालय मिला? लेटरिन ना मिली है। शौचालय भी नहीं मिला? मिली। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। जिनको शौचालय नहीं मिला, जिनको गैस चूल्हा नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, इसके लिए आप लोग कभी प्रधान जी से शिकायत किए हो या पूछे हो हमको क्यों नहीं मिला? कोई पूछा है? नहीं पूछे हो, गलती आप लोगों की है। अच्छा एक चीज और, प्रधान से पूछे तो क्या कहते आपको मिला है? मिला है ना? पैसा कितना मिला था आपको? पैसा मिला रहा है 12,000। खाता में पैसा आ रहा होगा? हाँ जी। 12,000 पूरा मिल गया? पूरा। प्रधान जी उसमें से कुछ मांगे ना ही? एक पैसा पूरा पैसा मिल गया? ठीक ठीक। अच्छा गांव में जो खुली बैठक होती है आप लोगों को सूचना मिलती है, अधिकारी आते हैं? आप लोगों को सूचना नहीं मिलती? नहीं। इसमें से कोई उस बैठक में नहीं गया है? कोई नहीं गया है? मीटिंग जो होती है ब्लॉक स्तर से अधिकारी आते हैं आप लोगों की समस्या सुनने,
क्या उस बैठक में आप लोग कहीं गए, कभी गए आप लोग? नहीं गए। ये बहुत ही गलत बात है, जो पहली चीज प्रधान द्वारा जो आपको सूचना नहीं दिया जाता है, और दूसरी चीज ये है अगर जानकारी होती होगी, देखिए अगर जानकारी होती है तो आप लोगों को जाना चाहिए, और नहीं जानकारी होती है तो गलती ये। हाँ घर पीछे ना जानकारी हो, जैसे बता दिन की बता दिया खुली बैठक बाय, तो जेका टाइम बात है जात बा, जेका टाइम ना है ना उन ना जात ना ही मिल बा ना ही बात है जान ना मिलत की जान मिल जाए की क्या क्यों बता दी एक मने बता दी सबका ना बताओ। हाँ कमी बताइए। सबसे बड़ी कमी ये है कि जो हमारे जिस ग्राम सभा के सदस्य हैं प्रधान ने उनको सूचना दे दिया, अगर उन्होंने सूचना दे दी अपने 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 मौजे में अपनी तरफ से जितना उनका वोटर है तो वो पहुंच जाए, वो खुद ही नहीं बताने वाले हैं। अब वोटर की बात आप करते हैं, ये पर्सनल खाली वोटरों के लिए नहीं होता है सूचना जो होती है, ये सारे लोगों के लिए होती है जो भी समस्या है। हाँ सदस्य की बात कर रहा हूं, सदस्य जो जिसको कहते हैं उसको जाना चाहिए, उसको कहना चाहिए सबसे बता देना। 12 गांव 13 गांव हर गांव का मन यहाँ है, तो अब प्रधान तो हर गांव में उतार बांटे ना आ जाते। हाँ। जैसे हमसे बता दिन अपने गांव बता दी बोलते हैं पीटते हैं बताते हैं। हाँ। इस तरीके से सूचित किया जाता है। अच्छा डुग्गी पीटते हैं, डुग्गी पीटते हैं। हाँ चलिए ठीक है। एक चीज और, एक जानकारी हमें आप लोग और दे दीजिए, गांव में नाली की समस्या तो बहुत होती है, पानी की निकासी की समस्या होती है। अच्छा ये समस्या अभी तक समाधान हुआ कि नहीं हुआ? वही नाली नान बनी ना ही पानी किनारे लाइन ना नाली ना बनी बा, रोड किनारे मार घर बा पानी निकले जगह ना है ना। अच्छा नाली नहीं बनी है? नहीं नहीं बनी है, नाली नहीं बनी ना ही साहब, नाली नहीं बनी ना, नाली बनी बा ना सड़क बनी बा, नाली सड़क नहीं बनी। जी जी, सबसे बड़ी समस्या नाली की है। नाली की समस्या आप लोग जो बैठक में जाता होगा या प्रधान से कभी किसी कोई बताया है उनसे समस्या आपने? बताओ बताओ। तो प्रधान जी क्या कहते हैं? कहीं बनवाई दिए अब आज। हाँ कहीं ना बनवाई दिए, बैतन चीज झुरका जाए पानी भरा रहा। अच्छा आवास कितने लोगों को मिला है जिसके पास घर नहीं था? नहीं मिला बाबा, नहीं मिला है। अच्छा आवास, अच्छा जानकारी भी है किसी और को भी तो मिला है आप लोगों को? मिला भाई, क्यों ना पाए पाए यहाँ। ये जानकारी इसलिए क्योंकि क्योंकि हमारी बात सुन लीजिए, सूची में जिसका नाम रहा होगा, जो पात्र रहा होगा उसको मिला होगा, और जो जिसका सूची में नहीं नाम रहा होगा शायद उसको नहीं मिला होगा। आप लोगों को जानकारी है किसी को आवास मिला है? अब हम कतना मिला बा, भैया को बना बा, शौचालय मिला, राशन का? हाँ राशन मिलता है, राशन उजर का कार्ड है। अच्छा राशन मिलता है ना? हाँ, अच्छा दादी आपकी उम्र 60 साल से हमें ज्यादा लग रही है, पेंशन बनी है आपकी कि नहीं? नहीं नहीं बनी है। अच्छा अच्छा इसमें कुछ हम कहना ज्यादा उचित नहीं समझे कि विधवा लोग भी जो होती हैं, जो विधवा उनकी पेंशन कुछ लोगों की बनी है? पेंशन जो बनी रही थी वो कट जी, पेंशन हाँ विधवा वाली बनी थी कट गई वो समाज। आप विधवा? हाँ। विधवा पेंशन नहीं बनी आपको? नहीं बना। अच्छा क्यों, इसके लिए कभी प्रधान से बताई? अब वो जाना थे वही। अच्छा जानते हैं? हाँ राखी खत्म हुई। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। तो ये गांव की समस्याएं हैं, ये लोग हैं जो कि यहाँ मनरेगा के तहत कार्य कर रहे थे। ये तालाब है जो कि ये सौंदर्यीकरण कह लिया जाए इसका हो रहा है, जानवर को यहाँ पे पानी पीने के लिए, पंछियों को पानी पीने के लिए, ये उसका सौंदर्यीकरण तालाब का हो रहा है, जो कि यहाँ के इस गांव के लोग हैं मजदूर की तरह जो है काम कर रहे हैं। और इनका हमें लगता है समय जो है 4 बज गया है, छुट्टी भी होने वाली है, और हम इनका 15 मिनट पहले कह लिया जाए कि छुट्टी इनकी कर दिए हैं खाली बात करने के लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने हमको समय दिया। और हम सीधा ले चलते हैं इस ग्राम सभा के प्रधान जी के पास, आइए जानते हैं उनसे उनके 4 साल के कार्यकाल के बारे में।